गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस, तो बने रहिएगा हमारे साथ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, तत्सम बताओ। शब्द उत्पत्ति के आधार पर ना चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। याद रखना, तत्सम पूछ रहा है, ठीक है? तो देखो, शुष्क बन जाएगा। शुष्क मतलब क्या होता है? सूखा होता है ना, याद रखना। शींग का रंग बनता है, ठीक है? और बस इतना याद रखो, आंसर होगा डी। नेक्स्ट है स्थावर। स्थावर मतलब होता है कि स्थावर का विलोम होता है जंगम। स्थावर का क्या होता है? जंगम। अब इनका अर्थ बताना, स्थावर का अर्थ क्या होता है? मेरे को भी थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा है। एक का मतलब तो होता है चलते रहना, एक का मतलब होता है रुक जाना। जंगम मतलब होता होगा जहाँ तक रुक जाना, स्थावर होता होगा चलते रहना, ठीक है? वो आप लोग एक बार कन्फर्म कर देना। आंसर इसका सही है, ए है, ठीक है? नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा सुत और सूत, देख ऐसे कहते हैं ना, पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय मतलब पुत्र, पवन जी के पुत्र। तो एक तो हो जाएगा पुत्र, एक हो जाएगा साथी, आंसर हो जाएगा ये। ट्रिक अच्छी लगी हो तो बताना। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहते हैं? गोधूली वेला। जैसे गायें जब वापस लौट के आती ना चर के, तो उसे ही कहते हैं गोधूली वेला, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, पुल्लिंग कौन सा है? कुर्सी टूट गई, दवात आ गई, किताब अच्छी है, सूची पत्र अच्छा है, सूची पत्र जारी हुआ, आंसर होगा ये। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। याद रखना, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। नेक्स्ट, राम धीरे धीरे चलता है, चलने की विशेषता क्या है? धीरे धीरे चलना क्या है? क्रिया। जिसके पीछे ना लग जाए वो क्या होती है? क्रिया। और जो क्रिया की विशेषता बता दे वो क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण चार प्रकार का होता है, स्थान, काल, रीत, परिमाण। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा इसमें? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ठीक है? वो वाला गाना याद कर लो, आंसर हो जाएगा ए। मेरा वह पेन खो गया, जो सो जब भी आ जाए ना, ये सब मिश्र वाक्य में आते हैं, जो सो की, ठीक है? याद रखो, साधारण वाक्य क्या होता है? एक उद्देश्य, एक विधेय, ठीक है? संयुक्त में क्या आता है? किंतु, परंतु और एवं, ये सब आते हैं, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखो, बंदूक क्या होता है? अस्त्र होता है, सही बात है। बंदूक की गोली हवा में जाती है ना, तो इसीलिए साथ साथ नहीं चलती, इसीलिए होता है अस्त्र, ये सही है। यह मेरी पुस्तक है, ऐसे होगा। इनको एक पुत्र है, इन्हें नहीं, इनके एक पुत्र है, इनके एक पुत्र है, ऐसे हो जाए। अनेकों हमेशा गलत होता है, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रख लेना, अनेकों गलत कर देना, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, डंका बजना मतलब प्रतिष्ठा हो जाना, क्या हो जाए? प्रतिष्ठा। मुहावरों के पीछे ना आता है अरबी भाषा का शब्द है, लक्षण शब्द शक्ति है, ठीक है? वाक्यांश होते हैं, ये सब याद रखो, आंसर डी है। नेक्स्ट, प्रजातांत्रिक में प्रत्यय बताना। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के पीछे या शब्द के अंत में। दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत लगते हैं क्रिया में, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तद्धित प्रत्यय लगते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण में। ये पांच प्रकार के, ये छह प्रकार के। प्रजातंत्र प्लस एक, प्रजातंत्र प्लस एक, एक प्रत्यय हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। कपूर अच्छा है, घोषणा की गई, घोषणा की गई। पंखा अच्छा है, कपूर अच्छा है, आम अच्छा है, ये तीनों पुल्लिंग है। दो लिंग होते हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, संस्कृत में होते हैं तीन, ये भी याद रखना। आंसर क्या बताया मैंने आपको? बी, घोषणा की गई। कपूर अच्छा है, हाँ, स्त्रीलिंग जो पूछा है, घोषणा की गई, आंसर बी सही है। मुझे लगा कि पुल्लिंग पूछा है। गुड़िया का बहुवचन क्या होगा? याद रख लेना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो सकते हैं इस वाले में और इस वाले में, ठीक है? तो आंसर क्या है इसका? कभी भी आकारांत आ जाए, मतलब ये बड़ा आ रहा है ना, तो हमेशा चंद्रबिंदु लगा देना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, राम ने आम खाया होगा। तो देखो, राम ने आम खाया तो ये क्या हो जाएगा? सामान्य भूत। इतना अगर बोलूँ तो, अगर होगा होगी किस में आते हैं? संदिग्ध में आते हैं, ठीक है? राम ने आम खाया, इतना होता तो सामान्य भूत। और अगर ये बोल दिया कि खाया होगा तो क्या हो जाएगा आपका? खाया हो मैं, ये हो जाएगा संदिग्ध भूत। क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूत, सी। नेक्स्ट, तेल, तेली, एक होता है माली, माली का होता है मालिन, ऐसी तेली का क्या हो जाएगा? तेलिन, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, राजस्थानी शब्द ओझण का हिंदी बताना है। ओझण मतलब होता है दहेज का सामान, तो दहेज में कुछ मत लेना, ओझण मत लेना। ओझण लोगे ना तो पत्नी हमेशा झाड़ती रहेगी तुम्हें हर बात पे, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, वह नहीं समझेगा क्योंकि वह मूर्ख है। क्योंकि किस में आता है? क्योंकि आता है, वह नहीं समझेगा। वह क्यों नहीं समझेगा बताओ? क्यों? मूर्ख है ना वो, कारण बता रहा है, मूर्ख है। क्या, क्यों नहीं समझता? क्योंकि मूर्ख है वो, कारण बता रहा है उसका, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है? नेक्स्ट, मोटर पोपो करती निकल गई, इसमें बताना है विधेय। उद्देश्य होता है कर्ता, विधेय होता है क्रिया, ठीक है? निकल गई, ये क्या है इसमें? विधेय। और विधेय का क्या बताना है? विस्तार। विस्तार क्या है? पोपो करती हुई, आंसर क्या हो जाएगा? बी।
ये मोटर क्या है इसमें, उद्देश्य याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट है इसमें, जिन ढूंढा तिन पाइए गहरे पानी पेंट, लोगों की क्या होती है पूर्ण वाक्य, याद रखना ठीक है। तो इसका मतलब होता है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है तद्भव शब्द बताना है इसमें से। तो देखो तद्भव ऐसे समझो, तद्भव बताना है तो उमंग होगा पहले, तो ये याद रखो। ये जो तत्सम में आते हैं विसर्ग वगैरह किस में आते हैं, तत्सम में। देखो उत्साह में क्या हो, उत उपसर्ग है ना, आनंद में आ उपसर्ग है ना, जितने भी संस्कृत के उपसर्ग हैं अगर वो कहीं किसी में आ रहे हैं तो हमेशा वो भी तत्सम होगा। या क्षत्रज्ञ श्र ये संयुक्त व्यंजन आ रहे तो भी होगा, रेफ वाला राउट रहा है तो भी होगा, आदर्श वगैरह मन है तो भी तत्सम होगा। तो ये क्या होगा, तद्भव, आंसर हो जाएगा इसका बी। उमंग क्या है, तद्भव, अगर इस तरीके से चंद्रबिंदु आ जाए तो भी तद्भव। नेक्स्ट या आता है तो तत्सम, जा आता है तो तद्भव, ये याद रखना। कर्म सौंदर्य, कर्म रूपी सौंदर्य, आंसर हो जाएगा कर्मधारय। विशेषण विशेष्य आ जाए, उद्देश्य उपमेय उपमान आ जाए ठीक है, या विशेषण विशेषण आ जाए जैसे सुर्खलाल, तो सब क्या हो जाएगा कर्मधारय। उभरी में अन्य पद प्रदान होता है याद रखना, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रदान होता है याद रखना, द्वंद्व में दोनों होते हैं पद प्रदान, बीच में योजक चिन्ह, समास के भेद होते हैं चार, पदों की प्रधानता के आधार पर अर्थ के आधार पर होते हैं छः, ये भी याद रखना, आंसर बता दिया सी। नेक्स्ट प्रत्यावान में उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय भी बताना है, तो ये हो जाएगा प्र इसमें उपसर्ग है, यत्न मूल शब्द है, बान इसमें प्रत्यय, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट किस क्रमांक में भाववाचक संज्ञा नहीं, तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, पाँच प्रकार से, पहली बात याद रखो। और संज्ञा भी भेद कितने, पाँच ठीक है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाव द्रव्य और समुदाय ठीक है। अच्छा द्रव्य और समुदाय किसके भेद होते हैं ये बताओगे आप, तो देखो कठिन कार्य, कठिन क्या हो जाएगा इसमें विशेषण, बाकी सब है भाव, आंसर हो जाएगा फोर। कठिन से काठिन्य हो जाएगा भाववाचक अगर बनाना चाहो तो। नेक्स्ट वह लौटा हो वाक्य में भेद बताना है, तो हो संदिग्ध होता तो होगा आता, भविष्य तो है नहीं है, संभाव्य वर्तमान है याद रखना ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए। अपूर्ण में तो रहा आता है इसलिए नहीं होता, यहाँ पे है ही नहीं रहा। नेक्स्ट इसमें बताना पीले पीले मीठे मीठे आम बहुत अच्छे लगते हैं, विशेषता बता रहा ना, तो विशेषण पद बन पीले पीले और मीठे मीठे आम की विशेषता ही ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट मौम हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मृदु होना, सर्वनाश तो होगा नहीं, बहुत प्रसन्न होगा नहीं, पिघल जाना होगा नहीं, आंसर होगा बी। नेक्स्ट इसमें बताना है कि किस क्रमांक में विराम चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है, विराम चिन्ह कितनी संख्या है, 20, किसने बताई, कामता प्रसाद गुरु जी ने, एक पूर्ण विराम हिंदी के बाकी 19 इंग्लिश के, अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज। तो देखो मित्रों, देखो ये ऐसे लिख रहा है मित्रों, यहाँ ना ये इस तरीके से लग रहा है, तो ये नहीं लगेगा कभी भी, ये हटा दिया जाता है, तो ये गलत है। हाँ मैं यह काम अवश्य करूँगा, हाँ की बात ना, ये आना चाहिए अल्प विराम ठीक है, तो ये भी गलत। जो परिश्रम करते हैं वही सफल होते हैं ठीक है। पानी हमारा जीवन है, हवा है, देखो और आ जाए ना तो उसके साथ अल्पविराम मत लगाना, आखिरी वाले के साथ और लगता है, अल्पविराम नहीं लगता, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट इसमें तो बताना है कि रिटेल डायरेक्ट योजना किसने शुरू करी है, तो ये करिए आरबीआई ने, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। और एक चीज़ और पूछ याद रख लेना, ये पूछा जाता है कि आरबीआई किसकी सिफारिश पे बना था, तो हिल्टन जंग समिति की सिफारिश पे बना था ठीक है, याद रखना। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में, ये याद रख लेना ठीक है। और बाकी आप ये बताना नाबार्ड कब बना था और सिडबी कब बना था, ये दो चीज़ें आप बताना, आंसर है इसका डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अभी हाल ही में लद्दाख ने ऑर्गेनिक बनने के लिए किसके साथ, सिक्किम के साथ समझौता किया है, तो ये कब तक बनेगा, 2025 तक, 2025 तक हमारा लक्ष्य टीबी को हराने का, और मलेरिया मुक्त होने का कब तक का है, 2030 का। सबसे पहला हमारा ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम, सबसे पहला ऑर्गेनिक देश है भूटान, ये सब याद रखना, आंसर हो जाएगा इसका बी ठीक है। नेक्स्ट अभी हाल ही में किस नाम से टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग, इंपॉर्टेंट लगा लेना बहुत ज़्यादा, तो हिंदुस्तानी बे, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अभी हाल ही में भीम यूपीआई को लॉन्च किया है, कहाँ पे किया है, भीम को किया है, भाषे भीम भाषे भूटान, ऐसे याद करना ठीक है। नेक्स्ट अभी किस राज्य में लेमरू हाथी अभ्यारण्य के जो क्षेत्र है उसमें कटौती हुई है, लेमरू और अचानक, अचानक मार भी है यहाँ पे ठीक है, तो ये सब कहाँ, छत्तीसगढ़ में, इंपॉर्टेंट बनेगा याद रखना, छत्तीसगढ़ में ही क्या बिरसा मुंडा स्टेडियम बन रहा है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट है एनटीपीसी कहाँ पे सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क निर्माण कर रही है, तो ये कर रही कच्छ गुजरात में, कच्छ क्या है सबसे बड़ा जिला है किसका, सबसे बड़ा जिला इंडिया का, ये याद रखना, आंसर हो जाएगा बी।
उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ पे क्या बन रहा है बताओ? यहाँ पे बन रही है चेस अकेडमी। राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा था, वो भी याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को 10वें पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान दिए? तो ये दिए बोइंग ने। डसॉल्ट से हमने क्या खरीदे? राफेल। ये भी याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, अल्टसोम ने क्या बनाया? इंजन बनाए। किसके इंजन? किसके बनाए? रेलगाड़ी के अपने। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे। तो देखो यार, 10 मिनट में हमने सब कुछ पढ़ लिया, हिंदी पढ़ ली, करंट अफेयर पढ़ लिया, रिवीजन करा दिया। तो प्लीज़ यार शेयर करना, सपोर्ट करना, दिल से लाइक करना, अच्छी लगी हो तो। बाकी डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में पूछना। अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।